फूलों की आड़ में करप्शन की मार, पौधे तो लगाए कम, माल बनाया ढेर। मेट्रो बस ट्रैक पर पौधे लगाने पर भी गजब की करप्शन बेनकाब। पीएचए के करता धरता बिलों से जायद की अदायगियां करते रहे। 26 लाख की खरीदारी पर 64 लाख अदा। गड़बड़ घोटाले से सरकारी खजाने को लाखों का नुकसान। इंक्वायरी के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन पीएचए सैयद यासिर गिलानी। मेट्रो बस ट्रैक के बरके जीने जवाब दे गए। मुसाफिर सीढ़ियां चढ़ चढ़ कर हांफने लगे। बुजुर्ग शहरियों को और भी ज्यादा मुश्किलात। जनरल अस्पताल स्टेशन के बरके जीने खराब होने से मरीजों के साथ लोहागिरी भी हुआ। पुराने मोबाइल पर नए मोबाइल वाला टैक्स नामंजूर। मोबाइल फोन के ताजर भी सड़कों पर निकलने के लिए तैयार। मोबाइल ट्रेडर्स का शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। हॉल रोड और हफीज सेंटर की दुकानों को आज 2 से 4 बजे तक ताले लगाकर एहतजाज किया जाएगा। इस्तेमाल शुदा मोबाइल की दरामद पर आयल टैक्स को कम करने का मुतालिबा। बाबर महमूद ग्रुप का हड़ताल से लातालुकी का ऐलान। मरियम नवाज वालिद की खराब ये तबीयत का फायदा उठा रही हैं। पूरी दुनिया में पोलियो खत्म। पाकिस्तान में बीमारी पर हमें शर्मानी चाहिए। 10,000 डॉक्टर्स और 2,600 नर्सिस को भर्ती किया। इस हुकूमत में काम तो करना पड़ेगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स की तरह यंग डॉक्टर्स भी सियासत चमका रहे हैं। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का सेमिनार से खताब और मीडिया को। कैदी नंबर 4470 कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का मामूल का मेडिकल चेकअप। सुपरिटेंडेंट जेल एजाज असगर की निगरानी में डॉक्टर्स ने मुआयना किया। नवाज शरीफ के ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर टेस्ट किए गए। नवाज शरीफ को डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक खुराक व अद्वियात दी जा रही हैं। जेल हुक्काम 18 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ। शहर में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो टीमें घर घर जाकर कतले पिलाएंगी। डीसी लाहौर सवाले सईद की पोलियो टीमों के साथ तावुन की अपील। इंसाफ के तकाजे पूरे करना और तमाम अफराद को हक देना जजेस की जिम्मेदारी है। किसी से ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सरदार शमीम खान का सीनियर सिविल जजेस की ट्रेनिंग सेशन से खिताब। जुडिशल एकेडमी में पंजाब भर के सीनियर सिविल जजेस की ट्रेनिंग का आगाज हो गया। पहले मरहले में 18 सीनियर सिविल जजेस क्रिमिनल डिवीजन की शिरकत। मुदई से सुलह। आबिद बॉक्सर तमाम मुकदमात में बरी। सेशन अदालत ने 10 केसेस में बरी करार दे दिया। अल्लाह की रजा की खातिर माफ किया। मुदई अरफात असलम का अदालत में बयान। 11 साल बेबसी में गुजारे। क्या सियासतदान मेरे साल वापस कर सकते हैं? बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। आबिद बॉक्सर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया जाए। हाईकोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त पर समात आज होगी। नैब की तफ्तीश में मुकम्मल तआवुन कर रहे हैं। नकल व हरकत पर पाबंदी आयद करना खिलाफ कानून है। अदालत नामों को ECL से निकालने का हुक्म दे। दरखास्त गुजार की इस्तदा। सब्जी मंडियां हो या आम बाजार, सब्जियों के रेट हैं कि काबू में नहीं आ रहे। टमाटर की सरकारी कीमत कम होते होते 67 रुपए पर आ गई, लेकिन कहीं भी 80 रुपए फी किलो से कम नहीं मिल रहा। सब्ज मिर्च की डबल सेंचुरी के बाद ट्रिपल सेंचुरी, रेट 350 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। आलू के सरकारी निर्ख 11, प्याज 28, बैंगन 42, गोभी 20, मटर 42 रुपए मुकर्रर हैं, लेकिन दुकानदार हर सब्जी का 2 से 5 रुपए जायद वसूल करते हैं। और कभी बादल कभी चमकती धूप, शहर का पल पल बदलता मौसम। 13 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली हवाओं से मौसम खुशगवार। आज कम से कम दर्जा हरारत 13, ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान।